Assalamu alaikum. Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 5, which is environment. So students, we are dealing at page number 39, 40 and 41. And the topic is humans using natural resources and renewable and non-renewable resources. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to explain that how can humans use natural resources and also differentiate between renewable resources and non-renewable resources. Students, as you know that in previous lecture we discussed about the natural resources, that what are natural resources. So natural resources are basically the things that grow and created naturally. मतलब कि ऐसी चीजें जो कि naturally कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, उन सब को हम कहते हैं natural resources, ठीक है? So today we will discuss that how can we use these natural resources. First of all, human using natural resources. जैसे कि बच्चों previous lecture में हमने कुछ natural resources के बारे में पढ़ा था, ठीक है? उनके नाम पढ़े थे natural resources के. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह ह्यूमंस जो हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किन किन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वाटर. बच्चों वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल जो है नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है? बिकॉज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, ठीक है? और एक अंदाजे के मुताबिक जो है जो न्यू सर्वे हुआ अभी 2019 में, तो उसके मुताबिक 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ठीक है? तो इतना ज़्यादा जो है पानी जो है वो अर्थ पर मौजूद है, ठीक है? अब इस वाटर को जो है वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में ह्यूमंस जो हैं, ठीक है? किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है? नंबर वन, ड्रिंकिंग, ठीक है? पानी पीने के लिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज पानी का क्या काम है कि ये जो है हमारे अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स वगैरह जो होते हैं इनको डिसॉल्व करता है, ठीक है? सो दैट्स वाई वाटर जो है हमारे लिए जो है हमारी बॉडी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है वॉशिंग, ठीक है? अब बच्चों वॉशिंग के लिए भी किसी भी चीज़ को धोने के लिए, सफाई के लिए, ठीक है, चाहे वो हम लोग बर्तन धोते हैं या कोई भी चीज़ जिसको हम लोग साफ़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है हम लोगों को वॉशिंग के लिए जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो है वो वाटर को यूज़ करते हैं. बिकॉज थ्रू शिप्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीज़ों को, अशिया को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जो है हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ट्रीज़ एंड प्लांट्स. सो बच्चों प्लांट्स और ट्रीज़ भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? सो अब ह्यूमंस जो है वो इन प्लांट्स और ट्रीज़ को किन किन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं. नंबर वन, बिल्डिंग, मतलब कि घर बनाने के लिए, ठीक है? जिस तरह के जंगलात में अक्सर आप लोगों ने देखे हट्स बने हुए होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है. डिफरेंट हट्स जो बने हुए होते हैं वो किन किससे बनते हैं? वो दरख्तों की लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है? सो बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई भी मतलब घर की तामीरात के लिए जो है वो ये प्लांट्स और ट्रीज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा फूड खाने के तौर पर हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि प्लांट्स के थ्रू ही जो है वो डिफरेंट फूड्स और डिफरेंट जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो किससे हमें मिलती है? प्लांट्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है? तो ये फूड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा मेडिसिंस बनाने के लिए भी प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कि नेक्स्ट आता है क्लोथिंग के लिए, ठीक है? मतलब कि कपड़े बनाने के लिए, जिस तरह के कॉटन का जो पौधा होता है उससे कपड़े बनते हैं, ठीक है? इसके अलावा फ्लैक्स जो होते हैं, पटसन जो होते हैं, उससे कपड़े बनते हैं, ठीक है? इसके अलावा हैम्प ट्री से जो है वो कपड़े जो हैं वो बनते हैं, ठीक है? तो ये ट्रीज़ जो हैं, ये जो पौधे हैं, इनसे जो है हम लोग कपड़े बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है डेकोरेशन.
अब डेकोरेशन के पर्पज़ में हम लोग किसका यूज़ करते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स को, पौधों को जो है घर में सजावट के तौर पर जो है वो हम लोग रखते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग जो है अपने ग्राउंड्स में लगाते हैं ताकि घर को खूबसूरत बना सकें, ठीक है। जहाँ हम लोग रह रहे हैं उस जगह को डेकोरेट करने के लिए जो है वो भी हम प्लांट्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स। ओके बच्चों, सो मिनरल भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और इनको भी हम लोग जो है वो अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर वन फॉर बिल्डिंग, मतलब कि घर वगैरह बनाने के लिए जो है जितने भी घर में हम लोग जितनी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जो जौन सा सामान यूज़ करते हैं, जैसा कि ब्रिक्स हो गई, ठीक है, टाइल्स हो गए, इसके अलावा प्लम्बरिंग का जितना भी सामान होता है, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, ये सब मिनरल्स से बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा कीले हो गए या प्लास्टर बोर्ड्स वगैरह जो हो गए, ये सब चीज़ें भी जो है वो मिनरल्स से मिलके बनती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जो है वो मिनरल्स का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, ठीक है। बिकॉज़ अगर जब तक हमारी सॉइल के अंदर जो है वो मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे, जब तक कोई भी प्लांट जो है वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है सॉइल के अंदर जो है वो मिनरल्स का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी एनर्जी रिसोर्सेज। सो बच्चों, हम लोग मिनरल्स को जो है वो एनर्जी सोर्सेज के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एनर्जी मिनरल्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, इसके अलावा फ्यूल की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, ठीक है, अपने ऑफिसेज वगैरह को जो है वो हीटिंग प्रोवाइड कर सकें। सो इन सब पर्पसेस के लिए जो है हमें एनर्जी मिनरल्स की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि कोल हो गया, ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या है, एनर्जी मिनरल्स हैं। सो वी कैन यूज़ दीज एनर्जी मिनरल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉर डेकोरेशन। अब मिनरल्स को जो है हम लोग डेकोरेशन के लिए भी जो है उस पर्पसेस में भी जो है वो यूज़ करते हैं। किस तरह, क्या आप देखो होंगे हम लोग घरों में जो है डिफरेंट क्रिस्टल्स की जो है वो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों को डेकोर करने के लिए जो है। इसके अलावा कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो मिनरल्स ही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो सब चीज़ें जिनको ह्यूमंस जो है वो अपने जो है डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, व्हिच वन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। सो द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। मतलब कि ये एक ऐसे रिसोर्सेज है, एक ऐसे कुदरती वसाइल हैं, ठीक है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं और रिप्लेस्ड होते रहते हैं, ठीक है। हम जितना जितना इनको जो है यूज़ करते हैं उतना उतना ये जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब इनमें हमारे पास जो है वो सोलर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, विंड एनर्जी आ जाती है, इसके अलावा प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रीज़ वगैरह, ये सब क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कि मतलब कुदरती तौर पर जो है ये ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, ठीक है, रिप्लेस्ड करते रहते हैं ख़ुद को जो है, मतलब कि ये एक ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि हम इन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये विंड एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है, ये दोनों क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। विंड एनर्जी जो है, जाहिर सी बात है, हमें विंड से मिलती है, हवा से मिलती है, जो हमारे जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो है वो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि हमें सन के थ्रू जो है वो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो इन दो एनर्जीज के बगैर जो है वो नहीं रह सकती, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंड टर्बाइन को जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो सोलर एनर्जी है उसको सोलर सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकें।
और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, मुसलसल जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। इसी तरह जो है ट्रीज़ जो है उनकी बात करें तो वो भी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो भी रिप्लेस्ड होते रहते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ट्री काटा है तो उसी की जगह जो है दोबारा से रीग्रो कर देता है, ठीक है, ट्रीज़ जो है वो दोबारा रीग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, मींस कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम खाली एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक दफ़ा से ज़्यादा जो है वो इनको यूज़ करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोल आ जाता है, मतलब कोयला जो होता है, ठीक है, इसके अलावा ऑयल हो गए, डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनमें हमारे पास कोल हो जाता है, ऑयल हो गया, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह हो गई, ये सब क्या है, महदूद हैं, ठीक है, मतलब हम इनको एक दफ़ा से ज़्यादा जो है वो बार बार जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, और इनके जो वसाइल हैं वो इतने महदूद हैं कि अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा बे लॉस यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है इन मिनरल्स का, ऑयल्स का और इन जो कोल वगैरह का, इनका जो प्रोसेस है प्रोड्यूस होने का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, काफ़ी अरसे बाद जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो है कम से कम जो है इन वसाइल का जो है वो इस्तेमाल करें, और अगर हम इनका यूज़ करते भी हैं तो हम इनको थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से इस्तेमाल करें, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत जल्दी जो है ये ख़त्म ना हो। So students, this is your lecture today. I hope you will understand the lesson. Now at the end, there is some home tasks for you. So first of all, here is some blanks for you. आपने इन blanks को जो है वो अपनी नीट copies पर write down करना है and also learn them. इसके अलावा write the answers of these questions in your notebook and also learn them. So question number one is, why does a habitat needs to be diverse? A habitat needs to be diverse so that animals and plants do not have to compete for the same food, water and shelter. If a habitat is diverse, animals and plants can survive next to each other. सो बच्चों, मतलब कि अगर जो है हमारी हैबिटेट जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, अगर उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, उसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या होता है इससे कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके लिए सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें जो है अपने लिए खुराक ढूँढना, अपने लिए जगह ढूँढना, ठीक है, पानी तलाश करना, इस सब में जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ेगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़ाहिर सी बात है उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जबकि अगर डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, किसी भी हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी होती है तो उससे क्या होता है कि जो सर्वाइवल चांस होता है किसी भी एनिमल्स का या प्लांट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज़, वाई मस्ट हैबिटेट्स बी कंजर्व, मतलब कि जो है किसी भी जगह को, हैबिटेट को जो है उसका तहफ़ करना, उसको महफूज रखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो द आंसर इज़, हैबिटेट्स नीड टू बी कंजर्व सो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव इन देम फॉर एज मैनी जनरेशंस एज पॉसिबल, मतलब कि अगर हैबिटेट को जो है वो तहफ़ फराम किया जाएगा, ठीक है, उसकी हिफाजत की जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो रहते हैं वो इजीली सरवाइव कर सकेंगे, ठीक है, और उनकी जो जनरेशन है वो मज़ीद आगे जो है वो बढ़ सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप। सो द आंसर इज़, renewable resources are resources that will not run out. Humans can keep using them as much as they like. While non-renewable resources are resources that can only be used once. Once they have all been used up, there are no more of them.
वही बात बच्चों, जो कि मैंने आपको भी बताई थी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। हम जितना मर्ज़ी उन्हें चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम खाली एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एक दफ़ा वो सब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा जो है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाई मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज बी कंजर्व, कि मतलब हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़ क्यों करना चाहिए। सो द आंसर इज़ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व सो दैट दे डू नॉट रन आउट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उसके लिए ये तमाम रिसोर्सेज जो होंगे वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है, और इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज पर राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो लर्न देम, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।